It was the year of epics, egoistic friendships, college rivalry and a big fat wedding. Welcome to Let's Talk Movies और आज हम रेट करेंगे the top 10 Bollywood movies of 2001. लेकिन कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी तीन गुना लगान देगा. Number 10, अक्स. अक्स was राकेश ओम प्रकाश मेहरा's debut movie. Inspired by Face Off, इस हटके थ्रिलर को उस समय तो इतनी एप्रिसिएशन नहीं मिली थी, लेकिन अमिताभ बच्चन, मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया था. दोस्तों के पैगाम ठुकराए जा सकते हैं प्रधान, दुश्मनों के नहीं. Number 9, Style. Style was the surprise hit of the year. Director N. Chandra, जिन्हें अंकुश और तेजाब जैसी heart-hitting movies के लिए जाना जाता है, made his comeback with a hilarious comedy mystery that also introduced us to a very confident Sharman Joshi. हमारे घर वालों को हमसे बड़ी उम्मीदें हैं कि बंटू चंटू 80% marks लाएंगे, 85% marks लाएंगे. अब सर इसकी शक्ल देखकर आपको लगता है कि ये 85% marks ला सकता है? नहीं. Number 8, रहना है तेरे दिल में. Better known as RSTDM among the youngsters, रहना है तेरे दिल में रीमेक थी तमिल फिल्म मिनाले की. The romantic comedy that did not do well at the time of its initial release is now considered a cult. The movie had some really great love songs. इस मूवी ने तमिल के स्टार माधवन को हिंदी ऑडियंस के बीच पॉपुलर बना दिया था और ये पॉपुलैरिटी आज भी कायम है. मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, यहां मिला है, अब जिंदगी में आगे कभी मत मिलना. यू नो, मेरी भी एक ख्वाहिश है, एक बार जिंदगी में जरूर मिलना. उस दिन जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करना है. मेरी बारी बाकी है. या ओ या. नंबर 7, नायक. नायक सुपरस्टार डायरेक्टर शंकर की डेब्यू हिंदी मूवी थी. ये मूवी अपने रिलीज के टाइम पर इतनी तो नहीं चली थी, लेकिन टेलीविजन पर नायक इज पॉसिबली द मोस्ट वॉच्ड मूवी टुडे. द मूवी वॉज अबाउट अ टीवी रिपोर्टर हु गेट्स अ चांस टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र फॉर अ डे. इस मूवी ने आने वाले समय में आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स में आने के रास्ते खोल दिए थे. एक चपरासी से लेकर ऊपर तक आप सब लोग करप्ट हो चुके हैं. आई एम सॉरी टू से दिस बट दैट्स द ट्रुथ. इन सारे अफसरों के खिलाफ हजारों कंप्लेंट्स दर्ज की जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बस फाइलें बनाकर कोने में दबा दी जाती. नंबर 6, जुबैदा. जुबैदा वाज बेस्ड ऑन द इल-फेटेड लाइफ ऑफ एक्ट्रेस जुबैदा बेगम. ये फिल्म श्याम बेनेगल के करियर की सबसे कमर्शियल मूवी थी और इस फिल्म को करिश्मा कपूर की फाइनेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए भी जाना जाता है. द मूवी हैड सम रियली मेमोरेबल सॉन्ग्स बाय एआर रहमान. लेकिन औरों के सामने आप हमेशा हर हाइनेस या रानी साहिबा ही रहेंगी. किसी को ज्यादा करीब नहीं आने देना चाहिए, समझी? ओहो, ये सब याद रखना आपको बोर नहीं करता? नंबर 5, चांदनी बार. चांदनी बार वाज डायरेक्टर मधुर भंडारकर फोरे इनटू हिज ब्रांड ऑफ सिनेमा. फिल्म एक गरीब लड़की मुमताज की कहानी थी, हु इज पर्सुएटेड बाय हर अंकल टू बिकम अ बार गर्ल टू मेक बोथ एंड्स मीट. फिल्म को अपने रियलिज्म और एक्टर्स तब्बू और अतुल कुलकर्णी की नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. मुझे बहुत शर्म आती है हमें नाचते हुए मामू. कैसी शर्म? बड़े बड़े हीरो, बड़ी बड़ी हीरोइन कैसी नाचती है फिल्मों में? देख मुमताज, जुम्मा जुम्मा 4 दिन में वे बम्बई आके तुझे काम मिल गया. बड़ी अच्छी किस्मत है तेरी. किस्मत अच्छी होती तो गांव छोड़ के यहां नहीं आना पड़ता. नंबर 4, दिल चाहता है. दिल चाहता है फरहान अख्तर की डेब्यू मूवी थी एज अ डायरेक्टर, एंड द मूवी इज कंसिडर्ड एज अ बेंचमार्क फॉर मूवीज ऑन फ्रेंडशिप इन बॉलीवुड. फिल्म की जबरदस्त कास्टिंग, लीड एक्टर्स के फंकी लुक, फिल्म के राइट इमोशंस और एक नए पर्सपेक्टिव वाले डायरेक्टर ने बनाया था इस मूवी को एक ट्रेंड सेटर. दिल चाहता है के बाद ही तीन दोस्तों वाली फिल्मों का चलन बॉलीवुड में शुरू हुआ था. हाय प्रिया. हाँ मैं, मगर वो
सुनो तो, तुमने तो, लेकिन मैं कब से क्या, मैं आकाश के यहां। हेलो। नंबर थ्री, मॉनसून वेडिंग। मॉनसून वेडिंग वॉज मीरा नाइस कम बैक टू होम ग्राउंड ऑलमोस्ट अ डेकेड आफ्टर हर डेब्यू मूवी सलाम बॉम्बे। फिल्म एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में होने वाली वेडिंग की कहानी है, वेयर अ स्ट्रिंग ऑफ यूजुअल कैरेक्टर्स विद अनयूजुअल सीक्रेट्स इंटरवीन। इफ ओनली देयर लाइव्स आर हैप्पी, एंड फॉर दैट आई एम विलिंग टू टेक ऑन एवरी ट्रबल इन द वर्ल्ड। सबमर्ज योरसेल्फ, जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट गुड इंडियन गर्ल्स इन ऑल द रोमांस। नंबर टू, गदर। डायरेक्टेड बाय अनिल शर्मा, गदर वॉज अ हिस्टोरिकल एपिक क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी सेट ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। फिल्म के रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, उनकी जबरदस्त एक्टिंग, फिल्म के यादगार सीन्स, हाई प्रोडक्शन वैल्यूज, फिल्म के गाने और एपिक डायरेक्शन ने गदर का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिख दिया। तुझे वीजा नहीं मिलेगा। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। मुझे मेरे बच्चे को उसकी माँ से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। इससे पहले कि हम नंबर वन रिवील करें, आपको 2001 की कुछ और बेहतरीन मूवी से मिलवाते हैं। सोनिया का खून हो गया है। तूने मेरी सोनिया को मार डाला। क्या? योर ऑनर, मैं केस हार गया। तुमने ऐसा क्यों किया बेटे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बड़ाऊ, और तुम मुझी को कोस रहे हो। बड़ाऊ? हाँ बड़ाऊ। मैं जान से मार डालूंगा इसका। शादी के बाद पति का घर ही लड़की का घर होता है। सदियों से औरत सती होती आ रही है। के लिए कोई और चाहिए, बाहर के लिए सब बार। नंबर वन, लगान। लगान वॉज एनदर हिस्टोरिकल एपिक दैट रिलीज ऑन द सेम डे एज गदर एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज ऑफ हिंदी सिनेमा। डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की ये मूवी क्रिकेट जैसे स्पोर्ट के जरिए ब्रिटिश टाइम की इंडिया की स्पिरिट को सेलिब्रेट करती है। फिल्म के कमाल कैरेक्टर्स, खूबसूरत गाने और एक एपिक क्रिकेट मैच लगान को दुनिया की बेहतरीन फिल्मों में शुमार करती है। Thank you for watching this video. Till then, have a good life and keep watching good cinema.